मतलब आपको बहुत ज्यादा लंबी टहनी की जरूरत नहीं है। अभी हम एक तो हमारा फाइनल आउटपुट ये रहा बॉस, एक नंबर का पीस बनाया ये हमने। और बॉस क्या हाल है? आज की इस वीडियो में पॉजिटिवनेस होगी। अभी आप सब रूम में तो रहते हो अपने, जैसे मेरा ये रूम हो गया, तो अब मैं आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको बिल्कुल फ्रेश और पॉजिटिवनेस फील होगी। एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तो मेरा अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, अभी मैं साफ करूँगा। अपने बेड को बिल्कुल नीट रखना है, बेड के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना बेड के नीचे, ना जो बेडरूम है आपका उसमें बेड के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए पहली बात। और एक सिंपल सी ट्रिक, एक छोटा सा प्लांट बनाना सिखाऊंगा मैं आपको अभी। वो प्लांट अगर आप अपने इंडोर प्लांट दिखाऊंगा अपने बेडरूम में या अपने लिविंग रूम में या कहीं पे भी रखते हो घर के अंदर, बहुत पॉजिटिवनेस फील होगी और आपको स्पिरिचुअल मतलब एकदम अच्छी वाली वाइब्स आएगी, मस्त वाली फीलिंग आएगी एकदम। अब जैसे ये सब पड़ा है तो ऐसा अजीब सा लग रहा है, बाहर से थक के आए हो मतलब काम वगैरह करके और आप घर में आओ, आपको अजीब सा फील हो, अजीब सी बदबू आए या नेगेटिव वाइब्स आए, तो वो सब दूर करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। एक प्लांट है जिसको अंदर रखेंगे हम और मैं बनाना भी सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, घर पे बना सकते हो आप इजीली। कोई वो नहीं है, कोई पौधा लेके आना हो, घर में नॉर्मली होता है ये, मैं बस इंडोर बनाना सिखा देता हूँ आपको अभी। देखो आपको ये पॉजिटिव प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास चाहिए होगा, कांच का गिलास और वो भी ट्रांसपेरेंट। और अगर आपके पास कुछ जो पत्थर होते हैं या कंचे वगैरह होते हैं तो वो इसके अंदर डाल के आप और भी परफेक्ट बना सकते हैं, एकदम पॉट जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है तो अभी आपको ऐसे दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें चाहिए होगा वो है ये चीज़ हमें चाहिए, ये है मनी प्लांट कहते हैं इसको। अभी हमें एक मनी प्लांट चाहिए होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ इतनी सी भी आपके पास अगर टहनी होगी या किसी पड़ोसी से जाके ले आओ, यार नॉर्मली हर घर में होती है ये, तो इजीली दिखाता हूँ मैं अभी आपको क्या करना है। इसकी एक टहनी को काट लेना है। तो बॉस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपने कभी इतना अच्छी और बहुत काम आएगी आपके, इतनी बढ़िया वीडियो देखी नहीं होगी। आप सब सोच रहे होगी कि ये फेक है या पॉजिटिव नहीं आई, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना कमेंट में आके 28 दिन या 15 दिन बाद कमेंट कर देना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसको ग्रो करना भी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं। तो हम ले लेते हैं इतनी सी ये टहनी ले ली हमने मनी प्लांट की, ये इतनी टहनी होगी, ये काट ली हमने। और आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा लंबी टहनी की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो ये। अभी मैं आपको इसको एक एक पत्ती के साथ उगा के दिखाऊंगा, ये तो इतनी बड़ी टहनी होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, जो ये पत्ती है ना, ये पत्ती भी उग जाती है इसकी। तो बॉस ये जो प्रोसेस है ये देखने वाला है, अभी जो ये है इसमें ये जो ख़राब पत्तियाँ हैं ये तो काट दो, और जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा लंबी टहनी की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एक पत्ते के साथ ही इसको उगा के दिखाऊंगा, और जो भी उग जाएगा ना आपको वो भी वीडियो दिखा दूंगा अभी, क्योंकि ये 28 दिन बाद उगेगा। तो बॉस मैं एक बात बतानी भूल गया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं ऐसी वीडियोस डेली ही बना रहा हूँ, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो कर लो, क्योंकि कम्युनिकेशन बना रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, ये वेट करना पड़ेगा ना इतना। तो अभी जैसे ये होगी, अभी हम सिर्फ एक लीफ से उगाएंगे इसको, पता है क्या जो ये है ये एक लीफ भी उग सकती है, यहाँ से ये जो जड़ आती है इसकी यहाँ से आएगी, और हमें क्या करना है बस ये यहाँ पे ऐसे लटका दी, पानी यहाँ तक आना चाहिए, देख लो यहाँ तक पानी भर देना जहाँ तक इसकी जड़ है, तो उग जाएगी। देखो ये जो दूसरा पत्ता था ये किसी का काम का नहीं है, इसको निकाल दो, ये भी देख लो यहाँ पे से उगेगा, ये इसमें डाल दिया। अब ये जो तीसरा है इसका जो ये वाला पत्ता है ये भी किसी काम का नहीं है, तोड़ दो, ये भी एक ही पत्ता है, ये भी उग जाएगा क्योंकि इसकी जड़ आएगी यहाँ से इसकी जड़ आएगी, ये यहाँ लगा दिया, तो
तो बन गया हमारा पोर्ट। अब सबसे मेन चीज जो चलेगी इसमें, अभी कुछ दिन बाद देखना, सिर्फ 28 दिन के अंदर इसकी जड़ें आ जाएंगी। वो वीडियो मैं अलग से बना के दिखा दूंगा। तो इसके अंदर क्या है, आपको ताजा पानी डालना होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर कहोगे भाई काम नहीं कर रही चीजें। भाई काम कैसे करेगी अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे। तो अगर आप चाहो तो इनके लीव्स को धो लेना अगर ये गंदे लग रहे हो तो। मैंने पानी में से निकाल के लाया हूँ, ये यहाँ डाल दो। बस एक बात याद रखना कि जो ये इसकी जो जड़ वाला पार्ट है ना वो पानी के अंदर रहे, और जो ये पत्ता है ये बाहर लटकता रहना चाहिए ताकि वो डूबे ना पूरी अच्छी पूरे अंदर तक ना डूब जाए, और जो ये जड़ वाला पार्ट है वो बाहर बाहर की तरफ रहना चाहिए, और ये वाला भी। अब देख लो कुछ ऐसा दिखेगा ये सब होने के बाद। और इसको रख देंगे हम लगभग 28 दिन के अंदर इसकी जड़ें आ जाएंगी, फिर इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो। वैसे तो अभी भी रख सकते हो, बहुत औसम लगेगा ये रखा हुआ। अभी इसके ये तीन ही पत्ते हैं ना, अभी चार पांच आ जाएंगे जब कुछ दिनों बाद, तभी और भी औसम लगेगा। अभी तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बॉस आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी जड़ें आ जाएंगी तो और भी प्यारा लगेगा ये। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरह से पॉजिटिविटी बनाए रखें।